हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन एंड फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हो, नेता हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड की जाती है वन एंड फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ साझी के साथ ही अपडेट को लेकर, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे रिजल्ट और उत्तर कुंजी को लेकर। एक अफवाह उड़ाई जा रही है, एक वायरल खबर है जिसके अंदर साझी की सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से कवर की जाएंगी, जैसे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में थोड़ी सी परेशानी है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मेल आईडी पर दोस्तों ये चीज़ें सेंड की कि सर आप इसके बारे में एक वीडियो बना करके समझाइए, आखिर इसके अंदर जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं क्या इस पर कुछ ऐसा है, या फिर सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं। तो वैसे दोस्तों मैं किसी भी पोस्ट को वो वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं किसी पोस्ट पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आप लोगों के स्पेशल ऑन डिमांड दोस्तों जिन्होंने मुझे मेल आईडी से सेंड किया, अगर दोस्तों 50-60 लोग भी मुझे सेंड कर देते तो कहीं ना कहीं उन 50 लोगों का डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का स्पेशल वीडियो उसी के उस टॉपिक पर ही बनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों खबर वायरल हो रही है पीएनबी से पुख्ता 100% सही न्यूज़ को लेकर, कि इसके अंदर जो लिखा है वो क्या चीज़ें क्यों लिखी गई हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की चीज़ें मैं आप सभी को पोस्ट पर ही लेकर के जाके समझाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर पहले जो लिखा हुआ है वो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ जो दोस्तों आप सभी का कोई एक डाउट था कि आंसर की को लेकर, कि आंसर की में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर कितने बढ़ेंगे कल के वीडियो के अंदर मैंने बना करके बता दिया था। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी उस वीडियो को जाकर के आसानी से देख सकते हैं, जिससे कि आप सभी को अपने अपने नंबर के बारे में पता चल जाएगा कि कितने नंबर जो है आंसर की में बढ़ने के चांसेस हैं। अब आ चुका दोस्तों हैशटैग पहला पॉइंट जो इसके अंदर लिखा हुआ है, उत्तरमाला और रिजल्ट दोनों एक ही दिन होगा जारी। पहला पॉइंट दोस्तों इसके अंदर ये लिखा हुआ है, मेरी तरफ से कुछ नहीं सिर्फ से पोस्ट है, इस पर मैं बात करूंगा अभी। एक से अधिक ऑप्शन सही क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा, अन्यथा 69,000 से अधिक लोग पास हो जाएंगे, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, लगभग 5 क्वेश्चन कन्फर्म हटा दिए जाएंगे, जिससे अब रिजल्ट 145 मैक्सिमम मार्क्स से 60-65% लाना होगा। तीसरा और चौथा पॉइंट दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यह सब तैयारियां 69,000 भर्ती को 60-65% पर करने की तैयारियां चल रही हैं, जिससे पास होने वाले सभी लोगों को नियुक्ति मिल सके। अब दोस्तों ये नियुक्ति मिल सके की बात यहां पे जो लिखी हुई है, चलो ठीक है, सारे के सारे पॉइंटों को अगर मान लें तो जो दोस्तों आप लोगों का जो डाउट है कि सर क्या ये न्यूज़ सही है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। कोर्ट का जो अंतिम राहत मांगी गई थी सरकार की तरफ से, अब जो अंतिम राहत उन्होंने दी उत्तर कुंजी को लेकर, तो उस पर दोस्तों काम चल रहा है, उत्तर कुंजी जल्दी से जारी होगी। अंदर से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि उत्तरमाला रिजल्ट एक ही दिन जारी होगा, और ना ही पीएनबी की तरफ से ऐसी कोई जो अपडेट निकल करके आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके पोस्ट की जा रही है। जैसा कि आप सभी को बताए पिछले कुछ दिनों पहले ही दोस्तों, जब रिजल्ट जो ऑर्डर था वो रिजर्व हुआ था डबल बेंच का, तो तभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया था। बाद में जब ऑर्डर पब्लिश हुआ तो उसके अंदर 1% भी ऐसी कोई बात निकल करके नहीं आई। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक से अधिक ऑप्शन सही वाले क्वेश्चनों को हटा दिया जाएगा, अन्यथा 69,000 से लोग जो है पास हो जाएंगे, फिर समस्या पैदा हो जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी कोई जो अपडेट नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को पेपर कराया गया था कि उसमें से इतने क्वेश्चन हटा दिए गए, इतने पर रिजल्ट जारी होगा, अभी कोई दोस्तों ऐसा पॉइंट आप लोगों के सामने नहीं आया है। और पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताऊँ, जब तक रिवाइज आंसर की नहीं आ जाती है, एक बार जब तक रिवाइज आंसर की आप सभी के सामने नहीं आएगी, तब तक दोस्तों कोई भी ऐसा कुछ कहना गलत होगा। और अगर आप नीचे तीसरे पॉइंट पर जाते हैं दोस्तों, जहां पे लिखा है कंफर्म जो है 5 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, 5 क्वेश्चनों को लेकर तो दोस्तों इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चनों पर ही यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होगी। तो 5 को लेकर भी यहाँ जो लिखा हुआ है सारी की सारी चीज़ें अपनी तरफ से उड़ाई जाएंगी अफवाह, एक तरीके से मैं आप सभी को कह दूँ, क्योंकि आप सभी को बताओ 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब तक कोई ऑफिशियल नहीं होता दोस्तों आप सभी के सामने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया जाता है। और फिलहाल की जो अपडेट आप सभी के सामने निकल रही है, जो लोग दोस्तों इस बात को लेकर परेशान है कि सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री में अफवाहें डाली आती है, उसको जो है आगे हम बढ़ा देते हैं शेयर करके, तो जो मेन चीजें होती है उसको हम शेयर नहीं करते। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस पोस्ट के अंदर जो भी लिखा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अंदर से ऐसा कुछ आने वाला, ना ही अभी तक ऐसी कोई अपडेट अंदर से निकल रही है, क्योंकि अभी तक दोस्तों रिजल्ट उत्तर कुंजी को लेकर, पहली बात मैं आप सभी को बताऊं, रिजल्ट तो अभी जारी नहीं हो सकता क्योंकि वो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट की जो परमिशन होगी तभी रिजल्ट जारी होगा। रही बात उत्तर कुंजी को लेकर, तो दोस्तों अभी उस पर काम किया जा रहा है, जल्द से जल्द आप सभी के सामने उत्तर कुंजी भी आप सभी को देखने के लिए
मिलेगी। हो सकता है दोस्तों जल्द से जल्द आप सभी को एक हफ्ते के अंदर उत्तर कुंजी आ जाए, लेकिन रही बात इन क्वेश्चंस को लेकर कि 5 क्वेश्चन हटा दिए गए, 145 पे रिजल्ट जारी होगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एक मन बहलाने की कोशिश की जा रही है, आप सभी की जो पीड़ा है दोस्तों उसको बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और कुछ ऐसा अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये जो खबर है, जो भी अपडेट निकल रही है, ये बिल्कुल फेक है, आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, अफवाहों से दूर रहें, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी ऑफिशियल होगी तो आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर ये लगाया जा रहा है, आप कोई भी इस बात को लेकर लिख सकता है। हो सकता है दोस्तों कोई 40-45 का सपोर्टर हो, ये वाली बात जो है डाल के 60-65 को लिख दे तो लिखने में क्या जाता है, लोग उसको देख कर खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि ऐसा ही देखने के लिए मिला था जब ऑर्डर रिजर्व हुआ, और उसके बाद जब ऑर्डर पब्लिश हुआ तो उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे थे, काश ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ऐसा होने के चांसेस हैं, लेकिन जब ऑर्डर आया तो दोस्तों सब कुछ जो स्थिति वो बिल्कुल पलट गई, और बाद में काफ़ी लोगों को जो है डिसअपॉइंट होना पड़ा। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, ऐसी जो अपडेट है, ऐसी जो भी कोई पोस्ट आप सभी के सामने आती है आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है बिल्कुल आप जैसे पर्सन के द्वारा लिखी जा सकती है, और आप जैसे लोग इसको वायरल कर सकते हैं, इसमें आप किसी का भी कोई ऑफिशियल हाथ नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।